महिलाएं ध्यान से सुन ले, बिछिया पहनी हो तो वो गिनेंगे, पायल पहनी हो तो वो गिनेंगे, कांग्रेस वाले कान का बाली गिनेंगे, नाक की नथनिया गिनेंगे, बर्तन या फिर कोई गहना कांग्रेस पार्टी ने कहा है हर व्यक्ति की कमाई की, हर व्यक्ति की संपत्ति की गिनती करेंगे, फिर कांग्रेस पार्टी सबकी कमाई लेगी और जिसको जी चाहे बांटेगी। मोदी जी का एक और आश्वासन लेकर आई हूँ। मोदी जी ने विशेष कहा है कि जितने परिवार में बुजुर्ग हैं, वो सब साल का 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज पाएंगे अगर हम सब मिलकर कमल का बटन दबाएंगे। दीपक साक्षी है, नियम अनुसार दीपक अभी भी अगर किसी का कच्चा मकान रह गया है, पक्का मकान हम खुद बनवाएंगे मोदी जी से अगर आप सब मिलकर कमल का बटन दबाएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं ये तो हमने बतला दिया, कांग्रेस पार्टी क्या करना चाहती है ये भी बतला दें। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि सबकी कमाई की गिनती होगी, मतलब खेत कितना बिसवा है, घर में कितना गोरु बांधे हो, दुपहिए का वाहन है, चार पहिए का वाहन है, बैंक में कितना पैसा है, जेब में कितना पैसा है, ये भैया मोबाइल पकड़े हैं कितने का है मोबाइल, ये सब कांग्रेस पार्टी गिनेगी। महिलाएं ध्यान से सुन ले, बिछिया पहनी हो तो वो गिनेंगे, पायल पहनी हो तो वो गिनेंगे, कांग्रेस वाले कान का बाली गिनेंगे, नाक की नथनिया गिनेंगे, फिर कांग्रेस पार्टी ने अगर बहू बेटी के लिए कुछ जोड़ रखा है, बर्तन या फिर कोई गहना कांग्रेस पार्टी ने कहा है हर व्यक्ति की कमाई की, हर व्यक्ति की संपत्ति की गिनती करेंगे, फिर कांग्रेस पार्टी सबकी कमाई लेगी और जिसको जी चाहे बांटेगी। अब हम भी अमेठी वाले हैं, जानते हैं कांग्रेस पार्टी ने आज तक गरीब को अठन्नी तक नहीं दी, लेकिन गरीब की जेब से पैसा निकालने की मंशा कांग्रेस पार्टी की है। फिर कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा भी कर दी कि अगर कोई व्यक्ति परलोक सुधार जाए तो उसकी विरासत का आधा हिस्सा कांग्रेस पार्टी ले लेगी। इसका मतलब विरासत का आधा हिस्सा ले लेगी, कमाई का पूरा हिस्सा ले लेगी, कांग्रेस पार्टी ना चैन से जीने देगी, कांग्रेस पार्टी ना चैन से मरने देगी। और ये वही गौरीगंज है जिसमें जब कांग्रेस के सांसद थे तो उनके दलाल मिट्टी का तेल तक गरीब से लूट लेते थे, आज इसी गौरीगंज में हर गरीब परिवार तक मुफ्त का राशन मोदी पहुंचाते हैं, कांग्रेस का एक नेता नहीं पहुंचाता। इसलिए सभी नागरिकों से निवेदन करने आई हूँ, आवास चाहिए, मुफ्त राशन चाहिए, 6,000 रुपया खेत का चाहिए, 5 लाख रुपया प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत का चाहिए, तो 20 तारीख को कमल का बटन दबाइए, कांग्रेस से अपनी कमाई बचाइए। योगी की सरकार है, मोदी की सरकार आने वाली है, दोनों सरकारों का लाभ अमेठी लोकसभा क्षेत्र में उठाइए। आज ये निवेदन करते हुए जैसे भैया ने कहा यहाँ पर 1,000 है, जो 1,000 को और बतलाएंगे, जो 1,000 को और बतलाएंगे, 3 दिन का प्रचार बचा है भैया, 3 दिन हर बूथ पर जाओ और हर बूथ पर कमल खिलाओ। आज यही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय भारत, बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।